चलिए नेक्स्ट टर्म निकालने का ही तरीका है। मैंने आपको बार बार, मैं हर बार बताता हूँ कि आप इसको, सवालों को पहचानने की कोशिश करिए। इसका कोई फार्मूला या नहीं है, रूल्स नहीं है, पर्टिकुलर रूल के हिसाब से सब सवाल ऐसे ही होंगे, इसमें आपको टेक्निक देखनी पड़ेगी। तीन चार टेक्निक मैं बताई, फिर आगे देखें 70, 38, 20, 14 और नेक्स्ट डे। कोई बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे आप, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बहुत हल्के हल्के चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस लेकर चेक करते हैं। कुछ समझ में आया? एकदम कान खड़े कर लीजिए। 32, 16, 8 तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा, 4 घटा दीजिए, 10, 10 आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सवाल था। ये 70, 30 में से 32 जा घटाए, सेपरेट करे तब ये आया, इसमें से ये घटाया तो ये आया, इसमें से 8 घटाए तो 14, तो 14 में से 4 घटाऊंगा तो 10 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, पहला सवाल हो गया। चलिए दूसरा देखिए भाई, यहाँ तो 1, 3, 9, 31 ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, कोई बड़ा डिजिट आ गया आएगा, कोई बहुत बड़ा डिजिट आ गया आ रहा है, कितना आ रहा है सिंपली मल्टीप्लाई, ये तो खैर कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। ये कितने टाइम्स है? ये शायद 4 टाइम्स है, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इधर आएगा, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5, जोड़ के देखा तो ये 29 आ गया। अब इसे देखिए, इसे तो 9 3 जा रहा है ये, और 4 जोड़ रहा है। कुछ रूल समझ में आ रहा है? जो है मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको 2 करिए, इसको करिए, देखिए 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट डिजिट आ रही है ऐड में 2, 3, 4, 5, तो अब क्या आएगा? 129। आप अपने आप समझ गए होंगे, 129 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6। इसी ऑर्डर में देखिए, ये रूल बनाया आपने, इसी के सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो वो रूल आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके, 651 आंसर आया इसका। लॉजिक वही लगाया, लॉजिक लगाइए करिए, लॉजिक लगाइए करिए। देखिए थर्ड सवाल देखिए, थर्ड सवाल बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, कॉमन डिफरेंस से करेंगे। कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखिए, करने का तरीका, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटा दीजिए, घटाइए, कॉमन डिफरेंस है। अभी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा सब लॉजिक आ गया समझ में, तो एक दफ़ा फर्दर करके देखिएगा। अब आपके समझ में आया? 25, 16, 9, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, बस लास्ट में आ जाइए। आ गई तो 22, 33 में से 9 गए 22, 47 में से 16 गए 31, तो 22 में से 4 गए 18। अब इसमें से घटा देंगे ये 260, 72 इतना, इसे जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस लेके ये डबल कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, आसान सवाल है, आ जाएगा। इसे देखिए 455, 200, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है कोई चीज़, तो ऐसे सवाल कॉमन डिफरेंस ही करने चाहिए।
ये कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सर। क्या सर? ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है सर, ये 3 का क्यूब है सर, ये 3 की पावर 4 है सर, ये 3 की पावर 5 है। अगर 3 की पावर 5, 4, 3, 2 तो क्या आएगा? 3 की पावर 1 आएगी। बताइए समझ में आ रहा है? 3। अब आप जवाब निकाल दीजिए। जवाब ये देखिए, इसमें से ये घटाया घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया। अब आप नीचे वाला देखिए, 35, 35, 35। इसमें रिलेशन देखिए, इसमें ये तो मैंने पावर ही लिखी है, ये तो कोई रिलेशन थोड़ी, अलग थोड़ी है, ये तो इसी को मैंने इंडिकेट करा, 27 को 27। इसमें से 3 घटा दीजिए तो 92 आंसर आएगा, 92 आंसर। देखा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने लिख लेंगे। चलिए आगे मिलते हैं।